साहिल प्रेम की डांस फिल्म मैड अबाउट डांस रिलीज के लिए तैयार है। आई लव पॉपिंग, लॉकिंग, बी-बॉयिंग, बेसिकली ब्रेक डांसिंग, एंड दैट्स व्हाई आई बुक्ड माय टिकट्स टू द बी-बॉयिंग मेका, शेफील्ड। जिसके प्रमोशन के लिए रिसेंटली साहिल आए अपनी को एक्ट्रेस के साथ और साथ ही दिखाए कुछ डांस मूव्स। और जब हमने साहिल को याद दिलाया कि 22 अगस्त को रिलीज हो रही उनकी इस फिल्म के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी भी रिलीज हो रही है, तो इस पर भी साहिल ने दिया ये कॉन्फिडेंट जवाब। देखिए, मर्दानी एक तो जॉनर बहुत अलग है, बहुत अलग फिल्म है और हमसे काफ़ी बड़ी फिल्म है, इन द सेंस यशाज की है, रानी मुखर्जी है, हम कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हैं, बट हमारा इंटेंशन उतना ही बड़ा है, हमने फिल्म वही सच्चाई के साथ बनाई है, तो देखते हैं अभी। साथ ही रेमो की फिल्म ABCD और हॉलीवुड फिल्म स्टेप अप के साथ हो रहे इस फिल्म के कंपैरिजन पर भी साहिल ने दिया करारा जवाब। बहुत अलग है सिर्फ जॉनरा सेम है जी। मैं ये सबको बोलता हूँ क्योंकि जाहिर है सब मुझसे ये सवाल सबसे पहले पूछते हैं, पर मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर आप कोई भी वॉर फिल्म देखो इंडिया की या एक्शन फिल्म देखो, तो जैसे J.P. दत्ता ने बॉर्डर बनाए, फरहान अख्तर ने लक्ष्य बनाए, दोनों वॉर फिल्म हैं, आप उनको सेम कभी नहीं कहोगे। सिमिलरली उसने डांस फिल्म बनाई है रेमो ने, मैंने भी एक डांस फिल्म बनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम है। उसके पहले स्टेप अप ने बनाई, स्टेप अप के पहले भी कई लोगों ने बनाई, तो आई थिंक ये जॉनर है जो हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। डांस ऑफ एक बॉक्सिंग मैच की तरह है। You have to be aggressive. वैसे आपको याद दिला दें कि साहिल की इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च के लिए फराह खान स्पेशल गेस्ट बनकर आई थी। वहीं शाहरुख खान भी सोशल मीडिया के जरिए साहिल को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, तो साहिल का ये कॉन्फिडेंस तो बनता ही है। इन दी एंड स्टोरी तो एक इंडियन की है ना, कि इंडियन लड़का वहाँ जाके जो जो होता है। ये भी तेरी तरह यहाँ पर डांस क्रू ज्वाइन करने आया था, अभी क्या कर रहा है, रोड पे बैठ के रोटी खा रहा है। I've never seen an Indian boy dance. You brownies can go be waiters, caterers, cabbies. Just go back to Pakistan, India, or wherever the hell it is you called out from. Patriotism भी एक काफी फिल्म है कि एंड में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो जाता है। टाइम आ गया इन गुरु को समझाने का। इन्हें? Yeah man, इन्हें। देखो मैड ऑलरेडी लोग होते हैं, मुझे खाली उनको याद दिलाना है कि वो मैड है। और इस सब के अलावा क्या है साहिल के मुताबिक उनकी फिल्म की USP, ये भी सुनिए। सबने कोशिश की कि आप लोग को कुछ नया दिखाएं, कुछ नई टाइप की डांसिंग दिखाएं, तो वो डांसिंग वाइज तो बहुत सारे ट्रीट्स हैं। तो हिंदी में और बात करनी चाहिए। You're an amazing dancer. जो स्टाइल की डांसिंग हमने की है वो बॉक्सिंग की तरह है, जब आप बॉक्सिंग देखते हैं तो एक दूसरे के साथ खड़े होकर बॉक्सिंग करते हैं, वैसे टाइप की डांसिंग है कि आप एक क्रू सामने हैं और एक क्रू इधर है, दोनों लड़ते हैं, तो ये एक स्टेप करता है, फिर ये एक स्टेप करता है, फिर ये उससे बेटर करता है, फिर उससे बेटर करता है, तो जुगलबंदी जो होती है वो चालू रहती है, इसे डांस बैटल कहते हैं। तो ये चीज़ हमने एक्सप्लोर की हमारी फिल्म में कि हम अपना क्रू बना के जाते हैं और आगे से दूसरा क्रू आता है और हम लड़ते हैं स्टेज पर जाकर या बीच में रोड पर किधर भी लड़ते हैं, और जो क्राउड होता है जैसे आप जैसे लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कि बेहतर क्रू कौन सा है। चलिए, साहिल का कॉन्फिडेंस तो कमाल का है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बॉक्स ऑफिस पर इनकी ये पैशनेट फिल्म मैड अबाउट डांस क्या रंग लाती है। सुरुचि महापुरकर को रेजिंग मुंबई।